अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबर मैक्सेंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें लेक्चर बैक टू बैक आ रहे हैं। अगर आप लेक्चर सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं करें तो सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट समझ सकें। ठीक है, अब तक 9 से 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देख लें। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना जो कि आपने स्क्रीन पर देखा कि फेव आइकन किस तरह से लगाया जाता है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट। ओके, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जल्दी से जल्द एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर मैंने पहले से बना रखा है डे 10 के नाम से। ओके, इसमें एक इमेज रखी हुई है, यही हमने फेव आइकन के तौर पर यूज करनी है। जो भी आपने रखनी है इमेज वो आप रख सकते हैं, जो भी लोगो वगैरह रखना है। ओके, इसको मैं ओपन विद कोड कर देता हूँ। ओके, तो ओपन विद कोड करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि वापस चलता हूँ यहाँ पर। ओके, वापस गया मैं ब्राउजर पर और पहले समझिए कि फेव आइकन कहते किसे हैं। देखिए, फेव आइकन जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऊपर ये जो टैब बना आता है, ये जो लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये क्या है, ये इसका क्या है, टाइटल। टाइटल में हम लिखते हैं ना तो नाम आ जाता है, लेकिन इसके साथ गौर करें यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक आइकॉन आ रहा है। तो इस आइकन को हम कहते हैं फेव आइकन। ठीक है, क्या, फेव आइकन, FAV आइकन, जो कि आपने थंबनेल पर भी देखा लिखा हुआ। ओके, तो ये आइकन किस तरह से लगाया जाता है आज हम वो सीखेंगे। तो वापस चलता हूं मैं जल्द से जल्द। यहाँ पर फाइल ओपन है फरासत के नाम से, ये देखिए एक इमेज पड़ी हुई है और यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ डे 10 के नाम से रख देता हूँ। चले day10.html, डे 10 के नाम से फाइल बन गई। इसको मैं एक्सक्लेमेटरी साइन प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि क्रिएट हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसका ना टाइटल दे देता हूँ आज। टाइटल चले फरासत वेबसाइट लिख देते हैं। ठीक है, फरासत वेबसाइट लिखा, इसको मैं करता हूँ सेव और इसका हम आउटपुट चेक करते हैं जल्द से जल्द। डे 10 में जाते हैं और यहाँ पर ये देखिए फाइल क्रिएट हो गई। डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्रोम ब्राउजर में ओपन हो गई। तो यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर लिखा आ गया फरासत वेबसाइट। ओके, और यहाँ पर साथ गौर करें, यहाँ पर तो कोई लोगो नहीं आ रहा है, ये बाई डिफॉल्ट ये एक अर्थ सी बनी हुई है तो जो कि वेबसाइट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हमने यहाँ पर अपनी मर्जी का एक आइकन लगाना है, तो वो किस तरह से लगाया जाता है अब हम वो लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग दे ही देता हूँ यहाँ पर कि S1 टुडे वी विल लर्न अबाउट फेव आइकन इन HTML। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ सेव और रिफ्रेश करते हैं तो ये लग गया। ओके, तो फेव आइकन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। वो आपने क्या करनी है, अपने फोल्डर के पास रख लेनी है या जहां भी पड़ी हुई है वहां पर रख लेनी है इसको। और एक वेबसाइट को यूज करना है जिसे कहते हैं रियल फेव आइकन जनरेटर। ओके, तो मैं लिखता हूं यहां पर रियल फेव आइकन जनरेटर। ये देखिए रिकमेंड हो चुका है। तो रियल फेव आइकन जनरेटर की वेबसाइट पर आपने चले जाना है। उसके बाद पहला लिंक होगा इस तरह का। ओके, इसका कोशिश करूंगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं तो वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहां पर क्लिक किया तो ये देखिए इसका क्या आ रहा है, इसका इंटरफेस आ चुका है वेबसाइट का। तो यहां पर राइट साइड पर गौर करें तो क्या लिखा आ रहा है, सिलेक्ट योर फेव आइकन इमेज, यानी जो आप फेव आइकन बनाना जा रहे हैं उसी को इमेज सैंपल तो दें। तो वो इमेज सैंपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कहां पर हमने रखी हुई है, यहाँ पर YT कोडिंग HTML के फोल्डर के अंदर डे 10 का फोल्डर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर fraset.jpg की एक इमेज पड़ी हुई है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर ओपन। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये अपलोड हो गई और इसका फेव आइकन बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो कंटिन्यू विद दिस पिक्चर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं कंटिन्यू विद दिस पिक्चर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसका फेव आइकन बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए ये आपको कुछ इंटरफेस नजर आ रहे हैं, ये बता रहा है कि डेस्कटॉप पर आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर कोई डार्क थीम है तो वहां पर इस तरह से नजर आएगा। तो अगर मोबाइल है तो यहाँ पर फेव आइकन इस तरह से नजर आएगा। तो वो जितने भी होते हैं ना लेआउट जहां पर ओपन होता है, टैब्स, मोबाइल और स्क्रीन के जितने भी फॉर्मेट है, उसके हिसाब से सारे फेव आइकन ये आपको बना के दे देगा। तो मैं थोड़ा सा डाउन चलता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं बन चुका है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, जनरेट योर फेव आइकन एंड HTML कोड। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं जनरेट योर फेव आइकन एंड HTML पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए क्रिएट हो चुका है सारा। ये आपको क्या मिला है यहाँ पर, ये मुझे कोड मिला है। ठीक है, क्या मिला है, कोड। ये कोड क्या है, ये कोड मैंने पेस्ट करना है अपनी यहाँ पर कोडिंग के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा क्या करना है,
और ये फेव आइकन पैकेज ये एक फाइल है जो कि आपने डाउनलोड करके अपने साथ रखनी है उस फाइल के साथ जहां पर फेव आइकन रखने हैं। ओके तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां से डाउनलोड कर लेता हूं। ओके यहां पर मैंने किया, इसको डाउनलोड कर लिया और यहां से इसको मैं, ये देखिए ये एक zip फाइल डाउनलोड हो गई है। इसको मैं क्या करता हूँ, वहां पर जाता हूँ, यहां पर एक फोल्डर बना लेता हूँ पिक्स के नाम से या फेव के नाम से रख देता हूँ। ठीक है, फैब के नाम से फोल्डर बनाया और इसके यहां पर मैं क्या रख देता हूं, इसको रख दिया। अब रखने के बाद इसका साइज में इंक्रीज कर देता हूं और इसको स्ट्रैक्ट हेयर कर देना है आपने। स्ट्रैक्ट हेयर करेंगे इसके अंदर मल्टीपल लोगोज और आइकॉन आ जाएंगे, ये देखें, देखा आपने। तो ये जो zip फाइल है इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, हमें सिर्फ ये वाली फाइल्स चाहिए थी। ओके क्या किया हमने, ये वाली फाइल्स क्या किया, डाउनलोड किया एक फोल्डर जहां पर फाइल बनाई उसके साथ एक फोल्डर बना दिया फैब के नाम से या जो मर्जी आप नाम रख दिए, मैंने फैब रख दिया और ये यहाँ पर इमेजेस आ गई हैं। अब इस इमेज का कोई रोल नहीं, आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट कर दिया, फैब आइकन इसमें पड़े हैं और फाइल यहाँ पे है, लेकिन फैब आइकन को इसके साथ लिंक किस तरह से करना है उसके लिए वही वेबसाइट पे हम वापस जाएंगे। यहाँ से हमने वो पैकेज डाउनलोड किया, यहाँ से हमने लिंक कॉपी करना है। ये जो आपको लिंक नजर आ रहा है ना, ये सारा आपने यहाँ से क्या कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेना है। कंट्रोल सी करने के बाद आपने इसको अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कहाँ करना है, बॉडी के अंदर नहीं, हेड के अंदर। ठीक है, टाइटल वाले पोर्शन में, ये देखिए हेड कहाँ से कहाँ तक है, ये हेड यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इसमें जहां पर हम टाइटल लिखते हैं। तो मैं एक लाइन की स्पेस देकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ सारे लिंक्स। ये देखें क्या किया मैंने, सारे लिंक्स पेस्ट कर दिए। तो यहां से इसको मैं कंट्रोल एस भी कर देता हूँ, सारे लिंक पेस्ट कर दिए। ये देखिए यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, इसके रेफरेंस लगे हुए हैं, एप्पल टच आइकन, उसने हर किस्म का कोड ना जो हमने टाइपिंग करनी थी वो ऑटोमेटिकली बना के पहले से दे दिया है। और यहाँ पर जितने भी आइकॉन्स पड़े हुए ना, ये देखिए इसके अंदर, तो इन सब के ना ये देखिए हाइपर रेफरेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए ये हाइपर रेफरेंस काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हाइपर रेफरेंस तब काम करने थे जब हम इसे, जिस तरह इमेज का कॉन्सेप्ट याद है ना कि फाइल के बिल्कुल साथ पड़ी होती, इमेज बाहर ओपनली पड़ी होती थी तो तब लग जानी थी, लेकिन हमने क्या रख दिया है फोल्डर के अंदर, तो हमें इस फोल्डर का पाथ भी देना होगा। तो मैं इसको यहां से पाथ कॉपी करता हूं इसका, और ये जो जितने भी हाइपर रेफरेंस दिए हुए हैं ना, ये देखें इसके स्टार्ट पर यहां पर पेस्ट कर देता हूं, बैक फ्रंट स्लैश से पहले पहले यहां पर भी फैब लगा दिया, यहां पर भी फैब, ताकि पाथ कंप्लीट हो जाए कि फैब के फोल्डर के अंदर ये चीजें पड़ी हुई है। तो जितने भी हाइपर रेफरेंस है यहाँ पर भी फैव और हाइपर, यहाँ पर है फैव, यहाँ पर भी फैव लगा दिया और इसको मैं क्या करता हूँ सेव कर देता हूँ। तकरीबन हमने सारे पाथ कंप्लीट कर लिए। ओके अगर आपने फाइल के साथ रखा हुआ है, स्टैक ओपनली कर लिया है, तो तब आपको फोल्डर का नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फोल्डर के अंदर दिया था तो इसलिए मुझे फोल्डर का नाम देना पड़ गया। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आप गौर करेंगे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर फैव आइकन लग जाएगा। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यहां पर फैब आइकन लग चुका है। ये देखिए फ्रासत वेबसाइट और यहां पर फैब आइकन। ओके आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि हम वेबसाइट पर फैब आइकन्स को किस तरह से लगाते हैं। ओके और ये क्यों जरूरी है कि वेबसाइट जरा खूबसूरत नजर आती है, उसका लोगो की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ओके तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलता हूं मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।